भुवन बाग यूट्यूबर है। उनका यूट्यूब चैनल बीबी की वाइंस काफी लोकप्रिय है। शनिवार यानी कि 12 जून को उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कोरोना वायरस से अपने माता पिता को खोने का दुख साझा किया। डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। एक महीने के भीतर ही उन्होंने कोविड की वजह से अपने माता पिता दोनों को खो दिया। उन्होंने माता पिता के साथ कुछ फोटो शेयर करते हुए लिखा, कोविड के कारण मैंने अपनी दोनों लाइफलाइंस खो दी हैं। आई और बाबा के बिना कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। एक महीने में सब बिखर चुका है, घर सपने सब कुछ। मेरी आई मेरे पास नहीं है, बाबा मेरे साथ नहीं है। अब शुरू से जीना सीखना पड़ेगा। मन नहीं कर रहा, क्या मैं एक अच्छा बेटा था? क्या मैंने उन्हें बचाने के लिए जो किया वो पर्याप्त था? मुझे इन सवालों के साथ हमेशा के लिए जीना होगा। उन्हें फिर से देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। काश वो दिन जल्दी आए। भुवन बाग की टीम की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक यूट्यूब स्टार के पिता अवनींद्र बाग का 11 मई को निधन हो गया, जबकि उनकी माँ पद्मा बाग का 10 जून को निधन हो गया। भुवन को उनके दोस्तों और कई सेलेब्स ने ढांढस बंधा। श्रेया पिलगांवकर, राजकुमार राव, ताहिरा कश्यप, मुकेश छाबड़ा, शर्ली सेठिया, दिया मिर्जा समेत कई हस्तियों ने भुवन को सांत्वना दी। अभिनेता राजकुमार राव ने लिखा, मुझे आपके लॉस पर खेद है भाई, आपने बहुत कुछ किया है। मैं खुद वो हूँ जिसने अपने दोनों पेरेंट्स को खो दिया, इसलिए कह सकता हूँ कि वे आपको कभी नहीं छोड़ते हैं। उनका आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहता है, भगवान आपको शक्ति दे भाई। दिया मिर्जा ने लिखा, उनके यानी कि भुवन के आई बाबा के चेहरे की चौड़ी मुस्कान और आंखों की खुशी बताती है कि तुम एक अच्छे बेटे थे भुवन, हमारा प्यार और स्ट्रेंथ तुम्हारे साथ है। भुवन बाग को उनके यूट्यूब चैनल बीबी की वाइंस की वजह से जाना जाता है। वो मजेदार वीडियोस बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करते हैं जिन्हें जनता हचक कर देखती है। वो अकेले ही इस वीडियो में टीटू मामा, समीर, बबलू जी, जानकी, बबली सर, मिस्टर होला और भुवन समेत कुल 17 किरदार निभाते हैं। पिछले साल जब देश में कोरोना की पहली वेव आई थी, इस महामारी से लड़ने में सरकार की मदद के लिए भुवन बाग आगे आए थे। उन्होंने एक महीने की अपनी YouTube चैनल से होने वाली कमाई सरकारी फंड्स में जमा कराई थी। न्यूज 18 में छपी एक खबर के मुताबिक इस बारे में बात करते हुए भुवन ने बताया था, आमतौर पर मैं इन चीजों के बारे में बात करना पसंद नहीं करता, लेकिन अभी हमारे देश को इसकी जरूरत है। ऐसे में हमें वो तमाम चीजें करनी चाहिए जिससे सब लोगों की मदद हो सके। पीएम केयर्स फंड, मुख्यमंत्री राहत कोष और फीडिंग इंडिया में योगदान देना समर्थन दिखाने का मेरा एक तरीका है। मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जो हमारे देश के लिए अपनी लाइफ जोखिम में डाल रहे हैं। मैं इस तरह से वो लौटाना चाहता हूँ जो इस देश की जनता ने मुझे दिया है। आपके लिए खबर लिखी थी हमारे साथी डेविड ने। शुक्रिया।